Hello student, our today's topic is introduction of definite integration. Student, limit of sum हमने किया हुआ है जिसमें हमने definite integration को limit से obtain किया है. उसमें हमने दो type ली है, एक polynomial के लिए और एक GP के लिए, यानी कि geometric progression के लिए. आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, आप सब्स्टिट्यूशन लो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाओ, इन शॉर्ट कोई भी मेथड लो, कैसे भी जाओ आप, अगर आपकी मेथड राइट है, अगर आपका लॉजिक राइट है, आपका फॉर्मूला राइट है, तो सम सेम आना है मेथड कोई भी हो. आंसर में कोई वैरायटी नहीं. अगर आंसर कोई सबका टू है तो कोई भी मेथड से उसको परफॉर्म करो, आंसर टू ही होगा. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं. कैसे है, क्या है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. नाउ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सबसे पहले इंटीग्रेशन की लिमिट ए टू बी है जिसमें ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है. सबसे पहले आप भूल जाओ कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम करना है. सबसे पहले लिमिट को भूलकर एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो करना है. तो मान लो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन लिख के ब्रैकेट बना के ए टू बी लिखो. और ए टू बी लिखने के बाद अपर माइनस लोअर जो लिमिट ए टू बी है उसको जो f ऑफ x है यानी जो इंटीग्रेशन का आंसर है उसमें डालो अपर माइनस लोअर f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ये हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम कंप्लीट. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए c लिखना, जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो c लिखना जरूरी नहीं है. कैसे नहीं है, जरा ध्यान से देखो. वंस अगेन, अगर मैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो द इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ये हुआ इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट. ये इंटीग्रेशन में अपर माइनस लोअर की लिमिट लगाओ तो वो लिमिट होगी हमारी एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी. ये सी सी कट हो जाएगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो इन शॉर्ट व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. जो हमने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करो. वो इंटीग्रेशन अगर आंसर परफॉर्म करता है तो वो आंसर के अंदर अपर माइनस लोअर लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का होमवर्क में कुछ ज्यादा सम्स मैंने दे रखे हैं बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टॉपिक है. अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है, बहुत हैवी टाइप के सम्स नहीं ले रखे हैं. तो होमवर्क में कुछ ज्यादा सम्स रखे हुए हैं, घबराना नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के सम है. हम यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ले रहे हैं. हमारा फर्स्ट सम जो है इंटीग्रेशन 2 टू 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन 2 टू 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, दैट इज लॉग मोड एक्स. एंड सी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अपर लोअर रख दो 2 2 3. नाउ अपर लोअर को एक्सपांड करो तो अपर दैट इज लॉग मोड 3 माइनस लोअर लॉग मोड 2.
लॉगरिदम का रूल लगाओ, माइनस को डिवीजन में कन्वर्ट करो, 3/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस। व्हाटएवर क्वेश्चन गिवन, उसका पहले इंटीग्रेशन करो। जो भी इंटीग्रेशन होता है उसमें सी लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में अपर लोअर बताओ। अपर लोअर को जो आंसर है उसमें सेपरेट करो, अपर माइनस लोअर, एंड दिस इज आंसर। एक दूसरा सब परफॉर्म करते हैं। 0 to π/4 sin 2x dx, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे सम सबने ये वीडियो में ले रखे हैं। 0 to π/4 sin 2x dx। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x? तो सबसे पहले कोएफिशिएंट 1/ कोएफिशिएंट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x दैट इज माइनस cos 2x, सी लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया sin 2x का इंटीग्रेशन। 1/ कोएफिशिएंट लेना है, देन sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, जो हमने यहां परफॉर्म किया है। sin 2x 1/ कोएफिशिएंट, sin 2x cos 2x माइनस। Now the range is 0 to π/4. Now after this, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर भी निकाल सकते हो, वहां भी रख सकते हो। बाहर निकाल देना ज्यादा बेनिफिट देगा। तो -1/2 हमने आउटसाइड कर लिया, एंड अपर माइनस लोअर अंदर एंटर करते हैं। तो cos 2π/4 माइनस cos 2 into 0, अपर माइनस लोअर, -1/2, दिस इज cos π/2 माइनस cos 0। नाउ cos π/2 दैट इज 0 और cos 0 इज 1, सो द आंसर इज 1/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, द आंसर इज 1/2। नाउ आफ्टर दिस थर्ड सम ले रहे हैं। अलग अलग टाइप के मैंने सम्स ले रखे हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। तो थर्ड टाइप का सम ले रहे हैं 0 to 2 to 3 1/4 + 9x² dx। स्टूडेंट, हमारे इंटीग्रेशन के रूल वही है कि जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला के लिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे 1/9 आउटसाइड, सो इट बिकम्स 0 to 2/3 1/4/9 + x² dx। दिस इज 1/x² + a² दिस इज 1/x² + a² सो दिस इज 1/2/3² + x² dx 1/9 दिस इज 1/8 दैट इज 2/3 tan inverse x/a दैट इज 2/3 एंड सी लगाने की जरूरत नहीं है। 0 to 2/3 नाउ कॉन्स्टेंट टर्म आउटसाइड ले रहे हैं, तो 1/9 3/2 एंड दिस इज tan inverse 3x/2 एंड अपर लोअर जो भी है वो रख देना है 0 to 2/3 3 3s are 9 सो दिस इज 1/6 tan inverse 3/2 into 2/3 minus tan inverse 0 सो दिस इज 1/6 ये कट हो जाएगा, tan inverse 1 दैट इज π/4 tan inverse 0 इज 0 सो द आंसर इज π/24 सो आफ्टर थर्ड सम नेक्स्ट सम हम ले रहे हैं। द फोर्थ सम इज इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx / x² + 1। नाउ अगर आपको मेथड याद है
तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन x square plus 1 dx. This is function and this is derivative of function. This is function and this is derivative of function. F dash x upon f of x dx. तो वो हो जाएगा 1 by 2 log mod x square plus 1 and upper lower रख देना है. Now upper lower को expand करो 1 by 2. This is log mod 3 square 9 that is 10 minus log 5. So this is 1 half log 2. तो student यहां पर हमने definite integration का introduction लिया कि जो भी function होता है वो function का integration करो. C लिखने की जरूरत नहीं है. जो भी आंसर है उसमें लिमिट को एक्सपांड करो अपर माइनस लोअर. और अलग अलग कैटेगरी के हमने चार सम परफॉर्म किए हैं. जैसे इंटीग्रेशन में नॉर्मल वे से हम जाते हैं वैसे ही जाना है. C नहीं लिखना है और फाइनल आंसर आने के बाद अपर माइनस लोअर करके आंसर परफॉर्म करना है. नाउ स्टूडेंट आगे की प्रैक्टिस ले रहे हैं. इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 डीएक्स. अलग अलग टाइप के सम हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नया नहीं है. और ये वीडियो में हमने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम ले रखे हैं वो हमारे नॉर्मल इंटीग्रेशन है. बट नॉर्मल इंटीग्रेशन में अपर माइनस लोअर करना है. फॉर एग्जाम्पल ये सम में आप ध्यान से देखो तो एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन को एडिशन में ले जाएंगे. 0 टू पाई बाय 4 2 को आउटसाइड लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 एक्स क्यूब डीएक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 डीएक्स. Now, integration of sec square x, that is 10x, 0 to pi by 4. Integration of x cube, that is x raised to 4 by 4, 0 to pi by 4, plus 2 times integration x, 0 to pi by 4. C नहीं रखना है. Now, 2 times x की जगह पर हम अगर अपर लोअर एंटर करते हैं तो 2 टाइम्स 10 पाई बाय 4 माइनस 10 0 प्लस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन में 1 बाय 4 हम आउटसाइड ले रहे हैं पाई बाय 4 होल रेस टू 4 माइनस 0 रेस टू 4 दैट इज 0 प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस 0. थोड़ा सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके जो ऑब्टेन होगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर होगा. द बेसिक थिंग इज व्हाट कि हमको जो इंटीग्रेशन के रूल्स रेगुलेशंस लगाने हैं वो तो लगाने ही है और जस्ट हमको अप्लाई करना है अपर माइनस लोअर. Now, आप 6 सम को कॉन्सेंट्रेट करो. इंटीग्रेशन 1 टू 2 x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx पार्शियल फ्रैक्शन. सम्स डिपेंड करता है पार्शियल फ्रैक्शन पर. अभी भूल जाओ कि सम में लिमिट है. तो हम नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 1 a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2. एलसीएम लेकर एलसीएम को डिलीट कर दूर करेंगे b टाइम्स x प्लस 1. नाउ लेट x इक्वल्स टू माइनस 1. सो माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस 2 b वाला पार्ट 0 हो जाएगा. So this is minus 1 equals to a, a equals to minus 1. Now let x equals to minus 2, substitute karenge minus 2 equals to
a into 0 plus b minus 2 plus 1. So minus 2 equals to minus b, b equals to 2. स्टूडेंट इसको हम इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन में एंट्री दे देंगे. सो ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स और इसके साथ ही हम रख देंगे 1 to 2. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2. द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस वन, आउटसाइड लेंगे 1 upon x plus 1 dx. b की वैल्यू है प्लस टू आउटसाइड 1 to 2 1 upon x plus 2 dx. नाउ दिस इज माइनस log मोड x प्लस 1 एंड अपर लोअर रख देंगे, लिमिट एंटर कर देंगे प्लस 2. दिस इज log मोड x प्लस 2 एंड यहां पर हम अपर लोअर रख देंगे 1 to 2. नाउ माइनस को आउटसाइड रख के दिस इज log मोड 3, 2 की एंट्री करेंगे माइनस log मोड 2, 1 और 2 को एंटर किया है प्लस 2 टाइम्स दिस इज log मोड 4 प्लस log मोड 3 एंड ये हुआ हमारा कंप्लीट माइनस log मोड 3/2 प्लस 2 टाइम्स log मोड 4/3 प्लस सी रखने की जरूरत नहीं है. तो ये हुआ हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन. कुछ नया नहीं है, द नया है जो वो है अपर माइनस लोअर. नाउ स्टूडेंट सम नंबर 7 एंड सम नंबर 8. सम नंबर 14 और सम नंबर 16 जो होमवर्क में दे रखे हैं वो अभी नहीं करना है. उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक खास फंडा जो है वो यूज करेंगे, लेकिन इसके बाद के वीडियो में. 14 और 16 नंबर का जो होमवर्क है वो होमवर्क अभी नहीं करना है. 14 और 16 नंबर के सम को होमवर्क में से अभी अवॉइड करना है. नाउ सम नंबर 7 इंटीग्रेशन 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx. ध्यान से अगर ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो 0 to 1 2x upon 5x square plus 1 dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 1 upon 5x square plus 1 dx. यहां पर अगर मैं इसको 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं तो ये हो गया 10x upon 5x square plus 1 dx प्लस यहां से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूं तो 0 to 1 1 upon x square plus 1 upon 5 dx. स्टूडेंट 1 upon 5 ये हो गया हमारा log मोड 5x square plus 1 एंड अपर लोअर करेंगे तो ये 0 to 1 प्लस 3/5 ये हो गया 1 upon 8 tan इनवर्स x/8 एंड ये हो गया हमारा अपर लोअर. इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि प्रॉपरली इंटीग्रेशन को फॉलो करना है. इंटीग्रेशन फॉलो करने के बाद अपर माइनस लोअर करना है. समटाइम्स ये सब में ट्रेजेडी ये होती है कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन प्रॉपरली कर देता है लेकिन जो बेसिक फंडा है अपर माइनस लोअर करना है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सम के अंदर ले जाके जो सिंप्लीफाई करना है उसमें सम रॉन्ग कर देते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट जब भी हम अपर माइनस लोअर करेंगे इंपॉर्टेंट सम में सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिंप्लीफिकेशन का. तो प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन देना है तभी सम अच्छी तरह से परफॉर्म हो पाएगा. नाउ सम नंबर 8 को ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो. सम नंबर 8 को अगर ध्यान से आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये जो सम है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का सम है
5x² / 4x + 3 करना क्या है? तो x² + 4x + 3 से 5x² को डिवाइड करना है। ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करो कि जो डिवाइड हो रहा है उसका और ये जो है उसका फर्स्ट टर्म सेम हो जाए। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 ओवर हियर दिस इज 5x² + 20x + 15 माइनस 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 ये दोनों कट हो जाएगा -20x - 15। ये हमारा डिवीजन जो करना था वो डिवीजन हो चुका। नाउ इंटीग्रेशन 1 to 2 एक बार रिमाइंड कर लो क्या था फॉर्मूला। कोशंट दैट इज 5 + (-20x - 15) / जो डिनोमिनेटर है वो, एंड डिनोमिनेटर को अगर मैं यहां प्रॉपर तरीके से बताऊं तो x + 3 x + 1 dx। तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का सम। स्टूडेंट करना वही है जो हमने इंटीग्रेशन में किया है, पर फॉर द डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर में हमको अपर माइनस लोअर करना है। होमवर्क में 14 और 16 सम नहीं करना है, बाकी के सम आप परफॉर्म कर सकोगे। असाइनमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, असाइनमेंट में कुछ सम दे रखे हैं, होमवर्क में भी सम दे रखे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये हमारा इंट्रोडक्शन था।